आज हम इंस्टेंट यानी कि फटाफट बनने वाला ब्रेड फालूदा बनाएंगे। ब्रेड फालूदा बनाना बहुत ही आसान है, इसे बच्चे भी बना सकते हैं। तो चलिए इंस्टेंट ब्रेड फालूदा बनाना शुरू करते हैं। मैं आपको फालूदा सीड्स दिखा देती हूँ। तो इस तरह से फालूदा सीड्स के बीज होते हैं छोटे छोटे, और ये फूलकर बहुत बड़े हो जाते हैं। तो अब हम 3 छोटे चम्मच फालूदा सीड्स भिगो देंगे। एक बाउल में 3 छोटे चम्मच फालूदा सीड्स डालिए और इसमें 1/2 कप पानी डालकर इसे 5 मिनट तक रख दीजिए। 5 मिनट में फालूदा सीड्स फूलकर बड़े हो जाएंगे और तब हम इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। जब तक हमारे फालूदा सीड्स फूलकर तैयार होते हैं, तब तक हम फालूदा सेब को बॉईल कर लेते हैं। तो यहाँ पर फालूदा सेब बनाने के लिए मैंने रेडीमेड ड्राई फालूदा सेब लिए हैं। ये मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप 1 पैकेट फालूदा सेब लेना चाहते हैं या 1/2 पैकेट। तो मैं 1/2 पैकेट फालूदा सेब का इस्तेमाल कर रही हूँ, इसलिए मैं फालूदा सेब को 1/2 कर लेती हूँ। तो इस तरह से फालूदा सेब को 1/2 कर लीजिए। आप कैची या चाकू की हेल्प ले सकते हैं। अब फालूदा सेब को पकाने के लिए 1 गिलास पानी बॉईल होने के लिए रख दीजिए। जब पानी उबलने लगे तो इसमें चुटकी भर फूड कलर डालिए। मैंने यहाँ येलो फूड कलर लिया है, आप इसकी जगह कोई भी कलर ले सकते हैं। 1 चम्मच शक्कर डालिए। इसके बाद हम 1/2 पैकेट ड्राई फालूदा सेब डालेंगे और इन्हें 5 से 6 मिनट तक मीडियम आंच पर पका लीजिए, जब तक ये नरम ना हो जाए। 5 मिनट के बाद फालूदा सेब को इस तरह से चम्मच में उठाकर चेक कीजिए। फालूदा सेब नरम हो गए होंगे, तो आंच बंद कर दीजिए। फालूदा सेब तैयार है। आप इन्हें छलनी में डालकर इस तरह से थोड़ी देर तक इन्हें छलनी में रहने दीजिए, ताकि फालूदा सेब का सारा पानी अच्छे से निकल जाए। 2 मिनट के बाद फालूदा सेब का पानी अच्छे से निकल गया होगा, तो इन्हें 1 प्लेट में ले लीजिए। फिलहाल के लिए फालूदा सेब को साइड में रख दीजिए। अब 6 से 8 ब्रेड के पीसेस ले लीजिए। ब्रेड के किनारों को चाकू की सहायता से अलग कर दीजिए, इस तरह से। इसी तरह सभी ब्रेड के किनारों को अलग कीजिए। इसके बाद ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए। अब ब्रेड को भी एक तरफ रख दीजिए। अब 4 कप आइस क्यूब लीजिए और आइस क्यूब को एक पॉलिथीन में ले लीजिए और बेलन या फिर किसी भी वजनदार चीज से इसे पीटकर बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए। बर्फ के टुकड़े एकदम छोटे छोटे करना है। अब बर्फ के इन टुकड़ों को बाउल में निकाल लीजिए। आप देख सकते हैं फालूदा सीड्स इस तरह से फूलकर तैयार हो गए। तो अब हम ब्रेड फालूदा बनाना शुरू करते हैं। 2 गिलास लीजिए। सबसे पहले 1 चम्मच फालूदा सीड्स डालिए। इसके बाद 1 से 2 चम्मच आइस डालिए। फिर ब्रेड के टुकड़े डालिए। ब्रेड के ऊपर 2 चम्मच खस सिरप डालिए। ऊपर से फालूदा सेब डालिए। इसके बाद यही प्रक्रिया फिर से दोहराएं। 1 चम्मच फालूदा सीड्स से, कुछ बर्फ के टुकड़े, फिर ब्रेड के टुकड़े और उसके ऊपर 2 चम्मच रोज सिरप डालिए। मैंने यहाँ रू अफ़ज़ा रोज सिरप लिया है। इंग्रेडिएंट्स की जानकारी के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके आप देख सकते हैं। रोज सिरप के बाद फिर से थोड़ी सी बर्फ डालें, फिर लास्ट में फालूदा सेब से गार्निश करें। ठंडा ठंडा इंस्टेंट ब्रेड फालूदा तैयार है। इसे इंजॉय करें और मुझे कमेंट्स करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं हमारी अगली रेसिपी के साथ।